हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की टॉप 10 आर्ट कॉलेज के बारे में। 12 में पास आउट करने के बाद कई स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि उनके लिए कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें, कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट होगा। तो मैं मेरे उन दोस्तों के लिए कहना चाहूंगा जो कि आर्ट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ विक्रम और मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चित्रकार योगी। यूनिवर्सिटी नंबर 10, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये 1988 में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड के सबसे बड़ी लाइब्रेरी रूम है और ये यूपी में है। नंबर 9, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये 1983 में स्टेब्लिश हुआ था और आपको यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 100% रैगिंग फ्री है और ये यूपी में है। नंबर 8, एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट। ये 1953 में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती है, ये मुंबई में है। नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी 1940 में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी दिया जाता है, ये हैदराबाद में है। 6, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट जामिया मिलिया इस्लामिया। ये 1951 में स्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है, ये दिल्ली में है। नंबर 5, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। ये 1961 में स्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बाहर की कंट्री से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। ये वेस्ट बंगाल की कलकत्ता में है। नंबर 4, कला भवन यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स विश्व भारती। ये 1921 में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको मॉडर्न आर्ट और कल्चरल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और ये वेस्ट बंगाल की शांतिनिकेतन में है। ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है, बाहर से भी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। मैं भी एक बार गया था हॉलीडे पे। नंबर 3, सर जे जे इंस्टीट्यूट अप्लाइड आर्ट। ये इंस्टीट्यूट 1961 में स्टेब्लिश हुआ है। यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है, ये मुंबई में है। नंबर 2, कॉलेज ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये 1942 में स्टेब्लिश हुआ है। यहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी तो मिलती ही है, उसके साथ जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, ये दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे नंबर 1 आर्ट कॉलेज के बारे में, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेब्लिश हुआ है 1898 में। यहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ पे एडमिशन लेना थोड़ा ज्यादा ही टफ है क्योंकि बाहर से भी बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो ज्यादा होगा ही। ये उत्तर प्रदेश में है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही आर्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।